एवरीवन, आज का वीडियो न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो जैसा कि विंटर सीजन आ गया है और ऐसे में क्या होता है कि बच्चे बार बार नैपी गीली कर देते हैं और हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, और फिर ऐसे में उनको इन्फेक्शन या फिर रैशेज होने का भी डर रहता है, और साथ के साथ ठंड लगने का भी, उनकी तबीयत वगैरह खराब होने का भी डर रहता है। मार्केट में नॉर्मल कॉटन नैपीज आती है ना, वो एक बार भी पी को होल्ड नहीं कर पाती है और वो एकदम गीली हो जाती है, फिर उससे बच्चों के ना रैशेज भी हो जाते हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम होते रहती है। मैं काफी टाइम से कुछ इसका अल्टरनेट देख रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कुछ मुझे अच्छा सा मिल जाए जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं बार बार उसकी नैपी चेंज करते रहूं। और अगर हम डिस्पोजेबल डायपर्स यूज करते हैं तो उसका ये रहता है कि सबसे पहले तो उसमें रैशेस के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है वो एकदम टाइट होते हैं और उसमें एयर पास होने का भी कोई चांस नहीं होता है। तो इस वजह से उसमें ना बच्चों के रैशेस जल्दी हो जाते हैं, बच्चे उसमें कंफर्टेबल भी फील नहीं करते हैं। और इसके अलावा अगर हम रेगुलर बेसिस से बच्चों को डिस्पोजेबल डायपर यूज करेंगे ना, तो आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो इसीलिए हम इस तरह से यूज तो नहीं कर सकते हैं डेली, तो इसीलिए ये काफी प्रॉब्लम्स होती है, और बहुत सारी न्यू मॉम्स की भी यही प्रॉब्लम होती होगी मेरी तरह। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी को कौन सा डायपर यूज करती हूँ और जिसने मेरी काफी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दिया है, और मैं बहुत टेंशन फ्री रह के काम कर सकती हूँ। तो मैंने रिसेंटली माइलो के ये डिस्पोजेबल क्लोथ डायपर परचेज किए हुए हैं और मुझे काफी पसंद आए, और मैं काफी टाइम से इस तरह का कुछ सर्च कर रही थी। तो ये रीयूजेबल डायपर है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम इनको वॉश कर सकते हैं और वॉश करके इसको दोबारा पहना सकते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल है, काफी थिक है, और अच्छी चीज ये है कि काफी कलरफुल है तो दिखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं, बच्चे एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत थिक है, इसमें बिल्कुल भी लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं काफी टाइम इसको यूज कर चुकी हूँ तो ये दिखने में बहुत प्यारा है, और इसकी मैं फुल डिटेल्स आपको दिखाती हूँ एक बार। एक खासियत ये है कि ये सर्टिफाइड सेफ है बेबी की स्किन के लिए, इसको पहनाने के बाद बच्चों में रैशेज या फिर इन्फेक्शन का कोई भी चांस नहीं होता है, ये स्किन के लिए एकदम सेफ और सूटेबल होते हैं। और दूसरी चीज, ये काफी अफोर्डेबल होते हैं, तो बच्चों को आप ये 3 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक के बच्चों को आराम से पहना सकते हो, काफी अच्छे रहते हैं ये। ये माइलो क्लोथ डायपर आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ, और इसमें किसी भी तरह का कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है, और ये रिसाइकलेबल बैग होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इनकी पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसके साथ में ये यूज़र मैनुअल भी आपको मिलता है, और इसमें सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की हुई हैं कि आप डायपर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से इसको वॉश कर सकते हो, और किस तरीके से इसे रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये क्लोथ डायपर काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इस तरीके से इसको ओपन करते हैं, इसमें साइड्स में इस तरह से बटन दी हुई हैं, और इसके अलावा इसमें मिलते हैं ये पैड, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इसको वॉश करके हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और इनको फिक्स करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे नॉब्स दी हुई हैं, और साथ ही आप इसको 4 अलग अलग साइज में एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें ये 4 एडजस्टेबल स्नैप्स दी हुई हैं, आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग साइज में एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चे को एकदम कंफर्टेबल फील होगा जिससे। इसके अलावा मैंने 2 अलग प्रिंट में और मंगाए हैं ये क्लोथ डायपर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रहते हैं और बजट फ्रेंडली होते हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने 2 प्रिंट में और मंगाए हैं। तो ये एक येलो कलर है, एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है, तो तीनों ही कलर काफ़ी सुपर्ब हैं और काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं, अच्छे हैं, साइज़ भी एकदम परफेक्ट है, और इसमें सारा यूज़र मैनुअल लिखा हुआ है, आप अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग साइज़ किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डायपर साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें इलास्टिक्स भी दिए हुए हैं जिससे बच्चे को लेग्स मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो पैड है एकदम सुपर सॉफ्ट होता है, काफ़ी एब्जॉर्बेंट होता है, करीबन 4 से 5 घंटे तक ये पी होल्ड कर सकता है, और एकदम ड्राई फील करते हैं बच्चे, बिल्कुल भी गीला नहीं लगता है और ना ही कुछ हैवी सा लगता है, एकदम लाइट वेटेड रहता है और बहुत ही कम्फर्टेबल है। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो यूज़र मैनुअल है उसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपको ये किस तरीके से वॉश करना है, और इसको वॉश करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और मेरा बेबी इसमें काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है और हैप्पी फील करता है। तो बार बार डायपर पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप एक बार इस तरह के क्लोथ डायपर
परचेज कर लें और ये काफी लॉन्ग टर्म तक आपके काम आने वाले हैं। ये डायपर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, बेबी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और मेरा बेबी आराम से इधर उधर खेल सकता है और बहुत हैप्पी फील करता है इसमें, इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और लीक प्रूफ रहता है तो आराम से 4-5 घंटे तक तो ये चल जाता है, तो मुझे बार बार चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे नॉर्मल डायपर हम 2 से 3 घंटे में चेंज करते हैं तो ये 4 से 5 घंटे तक आराम से चल जाता है और ये बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो मेरा बेबी आराम से इधर उधर हाथ पैर मार सकता है, इसे कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर अभी तक आपने माइलो के ये क्लॉथ डायपर यूज नहीं किए है ना, एक बार जरूर यूज करके देखना, यू विल लाइक इट श्योरली। डायपर जो है आपके बेबी को मिनिमम 5 आवर्स तक रैश फ्री और एकदम ड्राई रखते हैं। अच्छी बात यह है कि ये वॉशेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, इसको करीबन आप 300 से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं और आपके 20,000 रुपए का खर्चा बचा देते हैं, जो हम डिस्पोजेबल डायपर्स यूज करते हैं उसका खर्चा ये बचाते हैं। क्यों ना हम इतना फालतू खर्चा जब हम डिस्पोजेबल डायपर्स में करते हैं उनकी जगह पे हम ये परचेज करें और इसको वॉश करके हम बार बार पहना सकते हैं और हमारा काफी खर्चा भी बच जाएगा। तो अगर आप भी माइलो के ये प्रोडक्ट क्लोथ डायपर परचेज करना चाहते हैं तो मैं इन प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही माइलो की एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करके उसके थ्रू भी माइलो के और भी कई सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, वो भी एकदम अच्छे अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे। तो यहाँ पे अगर मैं माइलो के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो इसके कई सारे प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं अपने बेबी के लिए और मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत बेस्ट ब्रांड लगा मुझे ये नोनू के लिए। माइलो के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैंने जितने अभी तक यूज़ किए हैं सारे मुझे अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं माइलो ऐप पे। और इसके अलावा माइलो ऐप पे आपको बच्चों के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं और साथ ही आपको मैटरनिटी या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी बहुत सारे आइटम्स इसमें मिल जाएंगे। तो है ना सबसे अच्छी बात, आपको अपने बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे आप बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप मंगा सकते हैं अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। तो ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। होपफुली आज का ये वीडियो आप सब लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और इसी के साथ चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ये भी आपको इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।